दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फियर वे। यह कहानी एक ऐसे कपल के बारे में है जो टाइम लूप में फंस जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम सैरा और माइकल है। ये दोनों अपनी कार से सैरा के पिता के घर पर उनसे मिलने जा रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनकी तबीयत भी खराब रहती है। ये लोग हाईवे 66 से जा रहे होते हैं जो कि एक सुनसान रेगिस्तान से होकर जाता है। वह रास्ता बिल्कुल वीरान होता है, वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। तभी उन्हें लगता है कि उनकी कार किसी चीज से टकराई है। जब वो लोग अपनी कार से नीचे उतरकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता और न ही उनकी कार पर किसी प्रकार का कोई डेंट होता है। यह देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनकी कार किस चीज से टकराई। तभी सैरा अचानक से फिसलकर गिर जाती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर बर्फ जैसा कुछ था जिस पर सैरा का पैर फिसला था। उन्हें आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसे गर्म मौसम में बर्फ कहाँ से आई। वो दोनों इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वापस से अपनी कार में बैठ जाते हैं और आगे के सफर पर निकल जाते हैं। तभी माइकल नोटिस करता है कि एक ब्लैक कार उन्हें फॉलो कर रही है। वह उस कार को आगे निकलने के लिए जगह भी देता है, लेकिन वह कार आगे नहीं जाती है, वह उनके पीछे ही बनी रहती है। माइकल अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन वह ब्लैक कार भी उन्हें फॉलो करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा देती है। वो दोनों इस चीज से काफी डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तभी माइकल को अपने सामने एक ओल्ड रेस्टोरेंट दिखाई देता है। वह जल्दी से अपनी कार को रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ देता है और वह ब्लैक कार आगे निकल जाती है। माइकल राहत की सांस लेता है, लेकिन सैरा माइकल की इस रैश ड्राइविंग से नाराज हो जाती है। वह कहती है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी दिन हमारा सच में एक्सीडेंट हो जाएगा। अब वो दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और एक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होते हैं, उनके अलावा वहाँ पर एक लड़की और एक ओल्ड कपल होता है। यहाँ पर माइकल सैरा से कहता है कि हमें अभी शादी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, उनके ठीक होने तक हमें रुकना चाहिए। इस पर सैरा कहती है कि तुम हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहते हो। तभी उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है। तभी सैरा की नज़र उस ओल्ड कपल पर जाती है जो काफ़ी देर से अजीब बिहेव कर रहा था। उस रेस्टोरेंट का मैनेजर उनसे बार बार जाने के लिए कह रहा था। तभी वेट्रेस उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आती है और उन्हें दो दो कॉइन्स देती है और कहती है कि इन कॉइन्स से तुम यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी दो सर्विसेज ले सकते हो, लेकिन इन्हें ध्यान से खर्च करना। माइकल उस कॉइन से सैरा की पसंद का एक गाना प्ले करता है। तभी वह ब्लैक कार उस रेस्टोरेंट के पास आकर रुक जाती है। उसमें काले कपड़े पहने एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ होता है। वह उन दोनों के बाहर आने का इंतजार करता है। वहीं माइकल वॉशरूम चला जाता है। खाना बनने में देर हो जाने की वजह से सैरा खाने को पैक करवा लेती है और उस रेस्टोरेंट के वेटर को बिल से ज़्यादा पेमेंट देती है और कहती है कि ये आपके लिए हैं, आपको देखकर मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई, उन्होंने भी आपकी तरह पूरे जीवन भर कड़ी मेहनत की है। अब वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और इस बार सैरा कार को ड्राइव करती है, लेकिन एक बार फिर से उनकी कार किसी चीज़ से टकराती है और इस बार सैरा घबरा जाती है। वह माइकल से कहती है कि ये फिर से हुआ है। माइकल कहता है कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। सैरा कहती है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। लेकिन फिर भी माइकल गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उनकी कार टकराई हो। वह सैरा से कहता है कि हो सकता है कि हमने गलत टर्न ले लिया हो और फिर हम उसी रास्ते पर आ गए हों। इस पर सैरा कहती है कि मुझे अच्छे से याद है, हम सीधे ही चल रहे हैं, हमने कोई टर्न लिया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ उस रेस्टोरेंट के वेटर मैनेजर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सैरा और माइकल अच्छे लोग हैं। इस पर वह मैनेजर कहता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनकी किस्मत पर निर्भर है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। वहीं माइकल और सैरा इस बारे में सोच ही रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, तभी उन्हें वह ब्लैक कार फिर से दिखाई देती है। इस बार सैरा को उस ब्लैक कार वाले पर गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में उस ब्लैक कार के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वह उस कार के अंदर झांक कर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो लोग तुरंत ही अपनी कार लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वह ब्लैक कार एक बार फिर से उनको फॉलो करने लगती है। माइकल उसे पूछता है कि तुमने उस कार में क्या देखा, लेकिन वह कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं होती है, क्योंकि वह ब्लैक कार लगातार उनका पीछा कर रही थी। तभी सैरा को सामने वही ओल्ड रेस्टोरेंट दिखाई देता है और वह कार को रेस्टोरेंट की तरफ घुमा देती है। यहाँ पर माइकल उसे फिर से पूछता है कि तुमने कार में क्या देखा। इस पर सैरा कहती है कि जो कुछ भी मैंने देखा मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि हमें उस ब्लैक कार से बचकर रहना होगा।
वो दोनों एक बार फिर से उस रेस्टोरों के अंदर आ जाते हैं। सैरा उस रेस्टोरों के फोन बूथ से पुलिस को फोन करती है और उनसे मदद मांगती है। पुलिस मैन उसे बताता है कि पुलिस स्टेशन उनकी लोकेशन से काफ़ी दूर है, मदद पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं, इसलिए उन्हें उस जगह पर रुककर मदद का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन सैरा को ये नहीं पता था कि जिसे वह पुलिस मैन समझकर बात कर रही थी वह दरअसल उस रेस्टोरेंट का मैनेजर ही था। वहीं दूसरी तरफ माइकल उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से पूछता है कि यह हमारे साथ क्या हो रहा है, वह ब्लैक कार हमारा पीछा क्यों कर रही है और हम बार बार इसी रेस्टोरेंट पर आकर क्यों रुक रहे हैं। मैनेजर उसे शांत करता है और कहता है कि हो सकता है तुमने गलत टर्न ले लिया हो क्योंकि यहाँ के रास्ते थोड़े अजीब हैं। तभी सैरा वहाँ आ जाती है और माइकल से कहती है कि मदद आने में समय लगेगा, पुलिस ने हमें यहीं रुककर इंतज़ार करने के लिए कहा है। इस पर वह मैनेजर कहता है कि यह तो और भी अच्छी बात है, हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रूम्स हैं, मदद आने तक आप बेफिक्र होकर यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। मैनेजर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर उन्हें यहाँ रोकना चाह रहा हो। अब वो दोनों वहाँ बैठकर कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। कुछ देर बाद वह वेट्रेस उनके पास आती है और खाना ऑर्डर करने के बारे में पूछती है, लेकिन सैरा उससे कहती है कि मुझे कुछ और कॉइन्स चाहिए, मुझे अपने पिताजी को कॉल करना है। इस पर वह वेट्रेस कहती है कि सॉरी, हम आपको केवल 2 ही कॉइन्स दे सकते हैं। तभी वहाँ पर जो लड़की बैठी थी वह कहती है कि आप मेरे कॉइन्स ले लीजिए, लेकिन वेट्रेस उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन वह लड़की कहती है कि वो मेरे कॉइन्स हैं और मैं जो चाहूँ उन्हें वैसे खर्च कर सकती हूँ। यह सब सुनकर सैरा कहती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, हमारे पास 2 कॉइन और बचे हुए हैं, हम उनसे कॉल कर लेंगे। लेकिन वह लड़की उनसे कहती है कि उन्हें खर्च मत करना। कुछ और भी वह बोलना चाह रही थी लेकिन वह मैनेजर आकर उसे रोक लेता है और माइकल और सैरा से उसके अजीब बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। वह उन्हें एक कॉइन देता है और उस लड़की को लेकर वहां से चला जाता है। मैनेजर उस लड़की को रूम नंबर 17 के पास ले जाता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की कहती है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। लेकिन मैनेजर उसे रूम के अंदर धकेल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सैरा अपने पिताजी को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से वह अपने पिताजी की आवाज़ को ठीक से सुन नहीं पाती और फ़ोन कट जाता है। अब वो दोनों अपना खाना फिनिश कर चुके होते हैं। वह बूढ़ा वेटर प्लेट्स को कलेक्ट करने के लिए आता है और उन्हें एक नोट देते हुए कहता है कि रूम अभी तैयार नहीं है। उसके हाव भाव देखकर लग रहा था मानो वह उन्हें कोई मैसेज देना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस नोट को पढ़ते, वह मैनेजर वहां आ जाता है और नोट को ले लेता है जिस पर लिखा हुआ था रन, यानी कि भागो यहाँ से। वह मैनेजर उनसे कहता है कि आपका रूम तैयार है, आइए मेरे साथ। वह उन दोनों को उनके रूम तक ले जाता है। यह वही रूम नंबर 17 होता है जिसमें उसने उस लड़की को धकेला था। लेकिन बातों बातों में उसके मुंह से सैरा और उसके पिता का नाम निकल जाता है। यह सुनकर माइकल और सैरा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे किसी का भी नाम नहीं बताया था। अब माइकल कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी सैरा एक रूम की विंडो पर वैसी ही बर्फ देखती है जैसी उसने हाईवे पर देखी थी और वह समझ जाती है कि यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। वह माइकल से यहाँ से चलने के लिए कहती है। इस पर वह मैनेजर उन्हें समझाता है कि उनका रूम में जाना ही ठीक होगा, बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन वो दोनों अपनी कार को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस बात से वह मैनेजर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह अपने स्टाफ से कहता है कि तुम दोनों की वजह से वो लोग भाग गए। इस पर वो कहते हैं कि वो दोनों अच्छे इंसान हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस पर वह मैनेजर कहता है कि यह हमारा काम नहीं है और आखिर में उन्हें यहीं पर आना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सैरा और माइकल किसी भी हाल में उस जगह से निकलना चाहते थे। तभी उनकी कार एक बार फिर से किसी चीज़ से टकराती है, लेकिन इस बार वो लोग कार को नहीं रोकते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वह ब्लैक कार एक बार फिर से उनके पीछे आ रही थी। तभी उनके सामने वही कैफे आता है, लेकिन इस बार वो कार को नहीं रोकते हैं। कैफे के बाहर मैनेजर अपने स्टाफ के साथ उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। जब उनकी कार वहां पर नहीं रुकती है तो वह ओल्ड वेटर कहता है कि वो यंग और हेल्दी हैं, उनके अंदर उम्मीदें हैं जो उन्हें जिंदा रखेंगी। इस पर मैनेजर कहता है लेकिन उम्मीद हमारे लिए खतरनाक है बॉब। वहीं जब वह कार उनका पीछा करना बंद नहीं करती तो माइकल अचानक से अपनी कार को रोक लेता है और यू टर्न ले लेता है जिससे वह ब्लैक कार आगे निकल जाती है। लेकिन ऐसा करने से भी कुछ नहीं बदलता है, वह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए अब वो कार से उतरकर पैदल ही रेगिस्तान के रास्ते से जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र एक पलटी हुई कार पर पड़ती है। जब वो लोग उस कार के पास आते हैं तो देखते हैं कि यह तो उन्हीं की कार है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कब हुआ।
तभी वह ब्लैक कार वाला अजीब इंसान वहां पर आ जाता है और वह माइकल पर हमला करके उसे घायल कर देता है। सैरा माइकल को लेकर वहां से भागने लगती है। कुछ दूर चलकर उन्हें अपनी कार दिखाई देती है जो कि बिल्कुल सही सलामत थी। वो दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन वह ब्लैक कार एक बार फिर से उनके पीछे आ जाती है। सैरा फुल स्पीड में कार को चलाने लगती है, लेकिन वो लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो लोग हर एक मिनट में उस रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहे थे, यानी कि वो लोग टाइम लूप में फंस चुके थे। जब उस रास्ते का कोई अंत उन्हें नज़र नहीं आता तो सैरा कार को रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ देती है और मैनेजर से पूछती है कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। तब मैनेजर उसे बताता है कि यह जगह दो दुनियाओं के बीच की जगह है, मरने से पहले हर किसी को यहाँ से गुजरना पड़ता है। वह उसे बताता है कि तुम दोनों का इस रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तुम अभी भी मरे नहीं हो। तुम्हारी बॉडी एक्सीडेंटेड कार के पास पड़ी हुई है और तुम दोनों जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हो। उस रूम में भेजकर मैं बस तुम्हारा दर्द कम करना चाह रहा था, क्योंकि उस रूम में जाने के बाद तुम दोनों दूसरी दुनिया में चले जाते। सैरा पूछती है कि वह ब्लैक कार वाला आदमी कौन था। मैनेजर बताता है कि वह फेरीमैन यानी कि यमराज है। उसका काम इंसानों को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाना है। अब सैरा को सब समझ आने लगता है कि क्यों उनकी कार एक ही जगह पर टकरा रही थी, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उनका उसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ था, और क्यों वह बूढ़ा कपल अजीब बिहेव कर रहा था, और क्यों मैनेजर उस लड़की को उस कमरे में ले गया था, क्योंकि यही उनका काम था। और अब उसे यह भी समझ आ जाता है कि मैनेजर उसे उस रूम में क्यों भेजना चाहता था, ताकि जल्द से जल्द उसका काम खत्म हो जाए। मैनेजर उसे बताता है कि इस कंडीशन में वही लोग बच पाते हैं जिनके पास जीने की वजह होती है। सैरा उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और वह अपने बच्चे को हर हाल में बचाना चाहती है। मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हारे पेट में बेबी बॉय है, तुम्हें इसके लिए मौत से लड़ना होगा। वह जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर जाकर माइकल को किस करती है, क्योंकि वह जान गई थी कि उसका और माइकल का साथ यहीं तक था। वह अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वह हमेशा से ही लापरवाह रहा है। और इसके बाद एक्सीडेंट वाला सीन दिखाया जाता है। तभी सैरा को होश आ जाता है और वह बच जाती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।